नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया साहब। पुनिया जी, आपका स्वागत है। पुनिया जी, सबसे पहला सवाल, चूंकि छत्तीसगढ़ प्रभारी जो मैंने कहा और ये आप हैं, यहां से ही शुरुआत करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है जी। और हम जीतेंगे जी। आप देखेंगे कि 2013 में आखिरी चुनाव हुआ था विधानसभा का जी, तो अभी की तरह उस समय भी भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिपक्ष के रूप में था, तो जीत हार का फैसला 0.73% बिल्कुल। ये इस दौरान में हमने बहुत मेहनत की है, जो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जमीनी संगठन है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया है और बहुत मजबूती के साथ में बूथ कमेटियां और पारा टोला अनुभाग कमेटियां, उसको हमने खड़ा किया है और प्रशिक्षण दिया है जी। आपने कहा था कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया था, उसमें आपने बताया था कि उस समय हमारे पास जो कैडर जितना मजबूत होना चाहिए था वो नहीं था, वो कैडर मजबूत नहीं होने के कारण पार्टी को नुकसान हुआ। तो समर्पित कैडर जो आपने ये भी कहा था कि बाद में हम तैयार करेंगे, अब ये 4 साल बीत गए हैं, 2014 से 2018 आ गया है, आगे चुनाव है और छत्तीसगढ़ आपके सामने है। छत्तीसगढ़ की आप बात बता भी रहे हैं कि आपने वहाँ अलग अलग मतलब मोहल्ले तक आपने काम किया है, कहीं ना कहीं आपको भाजपा और भाजपा की जो सहयोगी संस्था है संघ, उसके काडर से मुकाबला करना है। ये एक बड़ा मुकाबला है पुनिया साहब, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सही है, हम मास बेस्ड पार्टी मानी जाते थे, काडर बेस्ड पार्टी दूसरे जैसे कम्युनिस्ट हैं और कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी जी, वो अपना काडर बना के, क्योंकि मास है सच उनके साथ में नहीं था जी, और हमारे पास मास भी है और साथ में संगठन को भी मजबूत करने की आवश्यकता हमने महसूस की, और इसीलिए मैंने जैसे बताया जी कि हमने बूथ कमेटियां, बूथ अध्यक्ष उसका चयन किया, और उतना ही नहीं, जो पाराटोला अनुभाग के जो प्रभारी के रूप में उनकी नियुक्ति की, उनको ट्रेनिंग दी, और ये हमारा प्लान है कि ये सब पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी उनसे इंटरेक्ट करेंगे, संवाद करेंगे, और दो जगह, दुर्ग संभाग में और बिलासपुर संभाग में, वो इस तरह का संवाद कर चुके हैं जी। और वो अक्सर कहते हैं कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, जब उनसे संवाद कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और बूथ अध्यक्षों से बात कर रहे थे, तो वास्तव में वो हकीकत में सामने आया कि उनके बीच में ना कोई नेतृत्व था ना कोई दीवार थी, वो सीधे संवाद करना चाहते थे, वो उन्होंने किया जी। और इसलिए संगठन हमारा मजबूत है, और जो काडर की बात कर रहे हैं जी, यही तो काडर है जो बूथ अध्यक्षों के रूप में, पाराटोला अनुभाग प्रभारियों के रूप में वो हमारे पास मौजूद है। चलिए, ये मान लिया, लेकिन वहाँ एक दूसरा जो सामना, रमन सिंह अभी तक 3 बार चुनाव जीत करके आ चुके हैं। पहला चुनाव मान लिया कि उस समय एंटी जोगी एक माहौल बना हुआ था और रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। दूसरा चुनाव रमन सिंह के नाम पर भाजपा ने जीता वहाँ, तीसरा चुनाव भी रमन सिंह के नाम पे, और चौथा चुनाव भी अभी रमन सिंह सामने हैं और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में आपके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आप कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में हम किसी को सामने नहीं लाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप बाहर सामने लेकर आए, पंजाब में आप चुनाव जीत कर आए, आप सिद्धारमैया को लेकर के आए और आपने देखा कि आपको सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत मिला, भाजपा से ज़्यादा आपको मिला, हालांकि सीट में आप कम हो गए, लेकिन गुजरात में कोई चेहरा नहीं था और वहाँ आप नहीं जीत पाए। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं एक कोई चेहरा होना चाहिए? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं जी, 2013 में चुनाव से जस्ट पहले जी झीरम घाटी कांड में, बिल्कुल नक्सल अटैक में, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी थे जी, या सीएलपी लीडर महेंद्र कर्मा जी थे, विद्याचरण शुक्ला जी थे, मुडियार जी थे, शर्मा जी थे, वो सब नक्सल अटैक में ख़त्म हो गया, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद का जो नेतृत्व आज हमारे बीच में है
वो जुझारू है, कर्मठ है जी, मेहनत से लगता है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जैसी की परंपरा रही है कि चुनाव हो, चुनाव होने के बाद जो विधायक चुने जाए, मेजोरिटी आए, वो अपना नेता चुने, हाईकमांड उसको अप्रूवल दे और वो मुख्यमंत्री बने जी। ये व्यवस्था अभी भी यहाँ रहेगी। बहुत सी बातें कहते हैं कि अगर कोई चेहरा डिक्लेयर कर दे तो उसका एडवांटेज, मैं समझता हूँ कि एडवांटेज होने के बजाय वो उसमें लोगों को लगेगा कि हमारा चांस ख़त्म होगा। अब सभी लोग मेहनत से इसलिए काम करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा भी चांस है, कोई भी बन सकता है हमने से बीच में। भूपेश बघेल जी भी हैं जी। वहाँ पर डॉक्टर चरणदास महंत भी हैं, टी एस सिंहदेव जी हैं और बाकी भी हमारे शीर्ष नेतृत्व में सम्मिलित हैं, उसमें सत्यनारायण शर्मा जी भी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, धनेन्द्र साहू जी हैं और हमारे जो अन्य प्रदेश अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष हैं दो, वो अब हम उन सब की सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब लोग जुट के लगे हैं, हर एक को ये लगता है कि मुझे चांस मिलेगा, अगर एक को कर दिया जाए बाकी कहेंगे कि हमारा चांस ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमेशा से चली आ रही है कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्था है वो सही है कि चेहरा पहले घोषित ना किया जाए और इलेक्शन होने के बाद ये व्यवस्था पूरी की जाए। और आपको देखा होगा कि 2003 में जब चुनाव हुआ तो रमन सिंह जी कहीं नहीं थे, कहीं नहीं थे, चेहरा नहीं थे, नहीं थे बिल्कुल, लेकिन वो बने जी। और उसके बाद आज इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं कुमारी सरोज पांडे जी, वो कहते हैं कि हमने कोई तय नहीं किया है कि रमन सिंह ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो इस पर ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी के द्वारा ये कैंडिडेट उनको चीफ मिनिस्टर का फेस डिक्लेयर करना फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन एक बात और भी है पुनिया साहब कि वहाँ आपको न सिर्फ रमन सिंह या भाजपा से लड़ना है, आपको अजीत जोगी से भी लड़ना है। अजीत जोगी पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से ही अलग होकर के अपनी पार्टी बनाए हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अभी वर्तमान कांग्रेस है उसमें सेंध लगाने की वो कोशिश में भी लगे रहते हैं। दूसरी तरफ जो है कि गठबंधन की बात भी होती है, आपने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, इसको किस रूप में देखते हैं गठबंधन और अजीत जोगी? देखिए अजीत जोगी जी प्रभावशाली थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस में रहते हुए प्रभावशाली थे जी। कांग्रेस के नेता के रूप में वो प्रभावशाली थे। अब कांग्रेस पार्टी से हट जाने के बाद कोई ये कहे कि जितने कांग्रेस के लोग उनके साथ में थे सब वहाँ चले गए, ये पूरी तरह से गलत है जी। और सेंध लगाने की जहाँ तक बात कर रहे हैं जी, तो सेंध जो जोगी कांग्रेस से अनेक ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में आने के इच्छुक हैं और ये भी बहुत स्पष्ट है कि कुछ वर्ग ऐसे थे जैसे व्यवसायी हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ तक कि ओबीसी के लोग हैं, वो समझते थे कि जोगी जी हम लोगों के खिलाफ हैं जी, और इसलिए वो कांग्रेस पार्टी से हट के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। अब ये जोगी जी कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं है तो ऐसा वर्ग जो कि उनके प्रति एलर्जिक था वो अब हमारे साथ में है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका कांग्रेस पार्टी के बाहर जाना तो कांग्रेस पार्टी के लिए सहायक होगा, लाभप्रद होगा। मतलब जोगी जी का कांग्रेस से बाहर जाना जी, नुकसान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को जी। अभी आप राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी अभी फिर से इसी महीने के अंत में शायद आने वाले भी हैं, जून अंत तक शायद आने वाले हैं वहाँ। दो चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं, एक तरफ रमन सिंह लगातार दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज से ही दो दिवसीय यात्रा पर अमित शाह हैं, तीसरी तरफ अभी 14 तारीख को पीएम भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो भाजपा पूरी तैयारी के साथ आगे निकल रही है। इस बीच आपकी जो तैयारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग पीछे हैं, पिछड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ये सही नहीं है जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनेक पदयात्राएं आयोजित की गई जी। और इनके नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी वो कहते रहे
कि कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकालने दीजिए और हम सरकार हम ही बनाएंगे। उसके बाद पता लगा कि वो खुद ही पदयात्रा निकालने लगे, जो कांग्रेस कर रही थी वही है। और जगह जगह पर हम लोगों ने जनसभाएं की हैं, आपने विकास खोजो यात्रा भी आपने निकाली जी, हंसदेव नदी की यात्रा है और अर्पा नदी का भी अब उसकी यात्रा निकल रही है, 13 तारीख को हम जा रहे हैं उसका समापन करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी का निरंतर चल रहा है। आपने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं जी, तो राहुल गांधी जी में 17-18 मई को कार्यक्रम था जी, और उन्होंने अनेक जनसभाएं भी की और जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनसे भी संवाद किया, तो वो है। और हम लोग निरंतर जा रहे हैं, राहुल गांधी जी का फिर कार्यक्रम लगने की संभावना है, हमारे लोग मिले के एक आदिवासी सम्मेलन और करना चाहते हैं जी। तो निरंतर मैं समझता हूँ कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा है और भारतीय जनता पार्टी केवल जो सरकारी यात्राएं निकाली जाती हैं उस तरह की सरकारी यात्राएं कर रहे हैं। उन्होंने विकास यात्रा निकाली जी। वो केवल सड़क के किनारे से विकास यात्रा हो गई और विकास दिखाई देगा ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि सड़क को छोड़ के अंदर की तरफ जाके तो देखें, वो असलियत इनका पता लगे कि कहाँ विकास है कहाँ विकास नहीं है। पत्थलगड़ी जैसी घटनाएं हुई हैं वो क्यों हुई? वो चाहते थे कि हमारे गांव में बिजली आ जाए, वो चाहते थे कि बच्चे जाते हैं तो रास्ते में नाला है और बरसात के दौरान में पानी भर जाता है तो इसलिए वहाँ छोटी सी पुलियाँ बना दीजिए, कुछ सड़कें बना दीजिए, ये कौन मुश्किल है? लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी दावे करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में हर गांव में बिजली पहुंच गई, पत्थलगड़ी के 3 गांव हैं जी, और बस्तर क्षेत्र में 150 गांवों की सूची मीडिया के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट आई है कि 150 गांव में बिजली नहीं पहुंची। तो एक तरफ झूठ फैलाया जा रहा है, जनता सब जानती है, जब कहेंगे कि हमने विकास कर दिया, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ, हो सकता है किसी और जगह की बात कर रहे हो। और जहाँ ये जाते हैं जी, तो रमन सिंह जी कहते हैं कि अगर विकास देखता हूँ तो राजनांदगांव में आइए। भाई केवल राजनांदगांव में विकास दिखाना चाहते हैं या पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आपकी है? हम तो खुद गए इनके अपना गोद लिया हुआ गांव उसमें गए, लोगों की इतनी शिकायतें थी। इनके बेटे अभिषेक सिंह जो सांसद हैं उन्होंने भी गोद लिया गांव उसमें भी गए, वहां पर भी उसी तरह की शिकायतें आई। तो कहीं विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पुनिया साहब, आप जितना मतलब इस बीच छत्तीसगढ़ को जान गए हैं और छोटी छोटी जगहों के आप नाम ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ के हो गए हैं, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री आप ही बनने वाले हैं। खैर, ये जो चर्चा है वो मैं कह रहा हूँ आपसे। सवाल मेरा ये है कि किसी भी इतने सारे मुद्दे आप बता रहे हैं पुनिया साहब, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर जब कांग्रेस की बात आती है तो ये बात भी आती है कि कांग्रेस किसी मुद्दे के साथ आखिरी तक नहीं चल पाती है, क्या कारण है ये? देखिए, हम इस बात से सहमत नहीं हैं जी। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाती है वो आखिर तक चलाती है, उसका समाधान निकालने के प्रयास करती है जी। अब इन्होंने अनाउंस किया कि हम धान का बोनस देंगे जी। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया और विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम किया जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया, गिरफ्तारी हुई, मेरी भी गिरफ्तारी हुई जी। हम लोगों ने किया, उसमें बाध्य होकर और राज्य सरकार को अनाउंस करना पड़ा, भले ही 1 साल का ही बोनस दिया, ये चुनावी बोनस है। और बाकी जब शिक्षक कर्मियों का आंदोलन था, उनको जेल में ठोसा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया कि हम प्रदेश बंद करेंगे, तो सरकार बाध्य होकर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद उन शिक्षा कर्मियों को जो जेल में बंद थे उनको बाहर निकाला, उनसे समझौता करके उसको स्ट्राइक को वापस लिया, और जो भू राजस्व संहिता में जो संशोधन किया जिसमें उन्होंने आदिवासी लोगों के जो जमीनी अधिकार हैं उनको डाइल्यूट करने की कोशिश की, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी ने उसको विरोध किया। और आपने देखा होगा जो वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों में सीधे आता है जी, सरकार ने कहा कि 70% इसका पैसा
वापिस सरकार में भेज दीजिए, राज्य सरकार को दे दीजिए, ताकि मोबाइल कंपनी जो जियो मोबाइल कंपनी रिलायंस की, उनके लिए टावर वो बनवा सकें। और कांग्रेस पार्टी ने उसको विरोध किया और राज्य सरकार को बाध्य होकर वो डिसीजन वापिस लेना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लगी है। जो अधिकारों का, आदिवासी और गरीबों के अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए जगह जगह पर हर जिले में आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो एक विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में बहुत सफल रही है और उसका नतीजा चुनाव के नतीजों में दिखा। अब सामने चुनाव है, 4 महीने बाद इलेक्शन वहाँ है, और ऐसे में अगर किसी 2-3 मुद्दे की बात की जाए जिसके साथ आप जाना चाहेंगे, जाएंगे ही, तो वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, एक तो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है जी, और जिस तरह से वो डिस्ट्रेस में है, जिस तरह से उनके अधिकारों की उपेक्षा हो रही है, जो आत्महत्या पहले छत्तीसगढ़ में नहीं होती थी, अब किसान वहाँ पर भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत है। फिर उसके बाद जो आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो गरीबों को जमीन लेकर और उद्योग लगाने के लिए जरूर लेते हैं लेकिन वहाँ उद्योग लगते नहीं हैं, तो उनका जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, अगर 5 साल के अंदर उद्योग नहीं लगा तो उन किसानों को वापिस जाएगी, ये किसानों का ही मुद्दा होगा। और गरीबों को जो योजनाएं हैं उनका सही ढंग से लागू कर दिया जाए, उनका लाभ गरीबों वास्तव पहुंचा जाए, और वास्तव में जो लाभार्थी होने चाहिए, जो खास तौर से गरीब हैं, बिलो पावर्टी लाइन है, उनका चिन्हित करके दिया जाए। ये नहीं कि गरीबों के नाम पर संपन्न लोग उनके सुविधाओं का दोहन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से किसानों का है, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का है, शिक्षा का है, और आदिवासी और गरीबों की योजनाएं उनको सही ढंग से लागू। आखिरी सवाल पुनिया साहब, कि गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई है, अभी आपने सरकार बनाई कर्नाटक में, हमने देखा कैराना में, हमने देखा फूलपुर में, हमने देखा गोरखपुर में, सब जगह गठबंधन और गठबंधन की बात हो रही है, क्या आप छत्तीसगढ़ में गठबंधन करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कई बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी उभराने के लिए केस टू केस बेसिस, हर स्टेट का अपना अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वहां पर हम निर्णय लेंगे, एक होकर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ का आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में 1% का भी अंतर नहीं था वोटों में जी, तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और फिलहाल हम 90-90 सीटों पर पूरी तरह से लगे हैं, और इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो बूथ अध्यक्ष हैं, पारा टोला अनुभाग के प्रभारी हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, सभी उन 90-90 सीटों पर हम मजबूती के साथ लगे हैं। लेकिन अभी समय काफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि अगर आवश्यकता हुई और शीर्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो फिर वो भी विकल्प हमारे खुले हैं, पूरी पार्टी के तरफ से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देशन। तो आप इतने मजबूत हैं, बीजेपी मिशन 65 लेकर चल रही है, आप भी कुछ मिशन लेकर चल रहे हैं क्या, 65-75 कुछ और? भारतीय जनता पार्टी कहती है उनका मिशन 65 जी। मैंने उनसे सवाल पूछा है, कई बार पूछा है, कि यहाँ तो 90 सीटें हैं जी, और आप कह रहे हैं कि हम 65 सीट जीतेंगे, तो पहले हमको ये बता दीजिए कि जो 25 सीटें हैं जी, जो आप चुनाव से पहले ही कांग्रेस के पक्ष में सरेंडर कर रहे हैं, पहले तो उन 25 की सूची बना दीजिएगा, ताकि हम भी जान लें कि भाई उससे आगे बढ़ना है। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, 90-90 सीटों पर जी, हम मजबूती के साथ में लगे हैं, संकल्प शिविरों का आयोजन हो रहा है, 76 संकल्प शिविर आयोजित हो चुके हैं, बाकी 15 भी अगले हफ्ते पूरे हो जाएंगे। तो सब जगह बूथ अध्यक्ष, पाराटोला अनुभाग प्रभारी, उनको ट्रेनिंग, सेक्टर प्रभारी, फिर जोनल अध्यक्ष, उन सबको समर्पित करके, और ब्लॉक वार हमारे वरिष्ठ नेता उनको इंचार्ज बना के निरंतर संपर्क में रह के हम 90-90 सीट जीतने का मिशन रखते हैं। तो उनका भले ही 65 मिशन हो, 65 हमारा मिशन 90 है, मिशन 90 है। तो पुनिया साहब, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने
अपने सम्मानित चैनल पर बुला के मुझसे बात की। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।